पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अक्सर औकात जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम डिसऑर्डर्स नहीं बोलते हैं, उसको हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का नाम लेते हैं, या वो ऐसी अनएक्सप्लेन्ड कंडीशंस होती है जिसका किसी डायग्नोस्टिक मैनुअल में या हमारी साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जिक्र नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि कौन से ऐसे अनस्पेसिफाइड अनडायग्नोस्ड कंडीशंस होती है जिनके साइकोलॉजिकल अगर हम हेल्थ पे देखें तो काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं और कैसे हम उसमें से निकल सकते हैं। माय नेम इज़ आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। करंटली आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमत। इसके अलावा मैं ओला डॉक से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत भी फ्राहम कर रही हूँ ताकि आप घर बैठे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा कर अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशूज़ के बारे में हमसे रहनुमाई हासिल कर सकें। जब हम अनस्पेसिफाइड या अनडायग्नोस्ड या अनकॉमन साइकोलॉजिकल इशूज़ की बात करते हैं तो उसमें एक लंबी लिस्ट आती है जिसमें से अक्सर औकात लोग गुजर रहे होते हैं और इसके बारे में वो बात नहीं करते क्योंकि लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो जो पहले इसमें हमारे पास एक अनकॉमन या अनडायग्नोस्ड सिचुएशन आती है वो आती है कि हमारे यहाँ लोग ओवरथिंकिंग का बहुत शिकार होते हैं। अब अगर मैं ओवरथिंकिंग को देखूँ तो ये एक ऐसी अनस्पेसिफाइड स्टेट है जिसको हम कोई बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बुरी तरह मुतासर हो रही होती है। अब ओवरथिंकर को दूसरी तरफ हम देखें तो वो हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं कि वो आपसे मेरे से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो डीपली महसूस करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं और इसकी हर एक छोटे छोटे पॉइंट को भी जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं। या आम अल्फाज में इसको हम कहते हैं खुद कलामी, कि आप अपने से ही सवाल कर रहे होते हो और आप खुद ही उसको जवाब दे रहे होते हो। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस होती है कि बजाय आप अब ओवर थिंकिंग करें, खुद से सवाल करें और ख़ुद को जवाब करें, यू स्टार्ट सोशलाइजिंग मोर। कि आप जब इर्द गिर्द बात करना शुरू करते हो तो उससे आपको अपने मसाइल जो होते हैं उनके आंसर्स मिलते हैं, उनके सोल्यूशंस मिलते हैं और आप अपने आप को उस सिचुएशन में से निकाल सकते हो। दूसरी जो अनस्पेसिफाइड हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं कि कुछ लोग परफेक्शनिज्म का शिकार होते हैं, कुछ लोग हर चीज़ को एक बेस्ट वे में जो होता है वो अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि उनके अगर रिलेशनशिप्स आए तो वो उतनी इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने आप की एनर्जीज़ को अपने चैलेंजेस को उस हद तक ले जाते हैं कि वो अपना बेस्ट देते हैं। समटाइम्स उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है जिसकी वजह से लेटर ऑन वो बहुत सारे और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। या जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं जब वो कामकाज की जगह पर होते हैं तो वो दूसरे लोगों के साथ मिसफिट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके काम करने के ख़ास अंदाज होता है और वो हर काम को एक अपने अंदाज से करना जो होता है वो पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरपर्सनल लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट होती है, लोगों के साथ उनकी जो रिलेशन होते हैं वो अच्छे नहीं बन पाते और वो अक्सर जो होते हैं वो लेफ़्ट ओवर फील कर रहे होते हैं। तो जो परफेक्शनिस्ट लोग हैं उनके लिए मेरा मशवरा होगा कि एक असूल अपनी ज़िंदगी का अपना लें कि मॉडरेशन इज़ द की। जब आप हर चीज़ को म्याना रवि में बैलेंस के साथ करते हैं तो आप खुद भी खुश रहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और हम अपने आप को बहुत सारे अनवांटेड स्ट्रेसर से जो है वो निकाल सकते हैं। तीसरी एक अनकॉमन हमारी जो साइकोलॉजिकल ट्रेट होती है वो होती है इम्पल्सिवनेस, या आम अल्फाज में जैसे हम कहते हैं कि फ्लामर जो है शख्स वो बहुत इम्पल्सिव है या बेसब्रा है या वो बग़ैर सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। तो अब देखा जाए तो असूली तौर पर ये हमें कोई बीमारी नहीं है या ये हमारा कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अपनी इम्पल्सिवनेस की वजह से अक्सर औकात हम कुछ ऐसे गलत फ़ैसले कर लेते हैं या हमारे कुछ रिएक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो कि बाद में आपको गिल्ट में ले जाते हैं या आपको माली नुकसान की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। तो जो इम्पल्सिव लोग हैं उनके लिए मेरा मशवरा होगा कि हमारा रिलीजन भी हमें एक चीज़ गाइड करता है कि बोलने से पहले और करने से पहले एक दफ़ा सोच लिया करें कि कोई भी काम आप जब करने लगे तो उससे पहले एक छोटा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले, देख लिया करें कि इस
चीज़ के करने के फ़ायदे कितने और इस चीज़ को करने के नुकसान कितने हैं, तो ये कुछ अनकॉमन हमारे यहाँ या अनस्पेसिफाइड जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं या प्रॉब्लम्स होती है या जो चैलेंजेस होते हैं हम उसमें से गुजर रहे होते हैं, जिनके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, और लेटर ऑन जब उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है, जब उसके बारे में हम कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे होते टू चेंज देम, तो वो कुछ डिसऑर्डर्स की शक्ल जो होती है वो इख्तियार कर जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आज से उसके बारे में सीरियसली सोचें ताकि आप उसको बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।